नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चित्रकला या कला का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि फर्स्ट क्लास आज पहला क्लास है, तो हम आपको कला की परिभाषा और कला के बारे में कुछ बता दें, जिससे कि कुछ जानकारियाँ रहेंगे। उसके बाद हम लोग ड्राइंग के बारे में, चित्रकला के बारे में चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम आज आप लोगों को केवल चित्रकला कला के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके परिभाषाओं और उसके बारे में बताएंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। कला क्या है? कला की परिभाषा, कला की परिभाषा बहुत से दार्शनिकों ने अलग अलग अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें अरस्तु हैं, हेगेल हैं, प्लेटो हैं, महात्मा गांधी का भी अपना विचार है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसमें प्लेटो और अरस्तु है। प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है, मतलब जो सत्य है उसी के हम अनुकृति करते हैं, वही कला है। अरस्तु कहते हैं अनुकृति की अनुकृति है, मतलब जो कृति बनी है उसकी हम अनुकृति करते हैं, तो वह कला है। लेकिन हम लोग भी जैसे हम कहते हैं कि जो हम हमारे अंदर है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी बनाते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वो कला है। जैसे कोई भी चीज़ जैसे कोई नृत्य कर रहा है, तो नृत्य कर रहा है तो दर्शक को क्या अच्छा लगे, वो जो नृत्य करता है, नृत्य बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक कलाकार जो नृत्य करता है तो उससे जो सामने बैठे दर्शक होते हैं वो तालियां बजाते हैं, या कोई संगीत सुना रहा है, चाहे कोई कवि सम्मेलन है, तो एक कवि सम्मेलन में जो कवि होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ताली बजाना, बजवाना। तो वो ऐसे भाव प्रस्तुत करता है, ऐसे रस प्रस्तुत करता है कि जो दर्शक होते हैं वाह वाह करने लगते हैं, वही कला होती है कि जो हमारे अंदर से निकले और दूसरे को आनंदित करे, वो कला होती है। जैसे उसी तरह से हमारे यहाँ चित्रकला में एक से बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो एकदम हूबहू रियलिस्टिक काम करते हैं, चित्र को देख के आपको लगा कि मैं उसको पकड़ लूँ, लेकिन क्या होता है, देखने में तो लगता है कि रियलिस्टिक है लेकिन उसको पकड़ते नहीं, लेकिन वही कला होती है, प्रस्तुत करना, दूसरे के मन को आनंदित करना, ये कला होती है। और उसी तरह से मूर्तिकला है, मूर्तिकला में भी देखिए मूर्तियाँ एक से एक ऐसी बनी हुई हैं कि आप उसको टच करेंगे जैसे लगेगा कि अरे एकदम रियलिस्टिक है, ये तो मेरा दोस्त है, जैसे हम उसको पकड़ेंगे तो पत्थर गिरेगा या मिट्टी गिरेगी। तो वो कलाकार की भावना है, वो अपने अंदर से निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करता है आपको आनंदित करने के लिए। जो कलाकार होता है वो अपनी कला को आपको आनंदित करने के लिए वो प्रस्तुत करता है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालते हैं, वो कला होती है। लेखक भी हैं, उसके मन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लेखनी का कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द को प्रस्तुत करते हैं जिसको सुन करके हम आनंदित होते हैं या उनसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये सब कला होती है। शब्दों का लेखन ये कला है, शब्दों को उतार चढ़ाव ये कला है। जैसे कविता है, कविता में ये कला कृति है, कला शब्द है, उसमें जैसे आप उसमें अंतरा होती है, उतार चढ़ाव, जब तक आप उसको उतार चढ़ाव नहीं रखेंगे तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, उसको गा नहीं पाएंगे, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कविता कोई अच्छा पढ़ता है तो वो ताली बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, क्योंकि वो उसको पढ़ने का जो चढ़ाव है उतार है संगीत के माध्यम से वो करता है। और जो लिखने वाला राइटर होगा वो कितना सही उसको लेके चढ़ा रहा है, आखिरी में रहा है फिर दूसरे लाइन में भी रह लेगा, ये कला होती है। और हम लोग आपको पढ़ाएंगे चित्रकला, मूर्तिकला, इस सब के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि कैसे